तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस नेटवर्क। एंड गैस दमित गोल्डबर्ग का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपकमिंग पेपर व्यू यानी कि टीएलसी 2020 में। इसी के बारे में हम करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आप इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में आने वाले बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहें। तो बिना इन्वेस्ट किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस यहां मैं आप सबको बता दूं कि रिसेंटली में गोल्डबर्ग आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई द बंप के शो पे, जो कि बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक इंटरव्यू शो है। एंड यहां पर गाइस गोल्डबर्ग ने क्लियर किया था कि वो रूमर से उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीनने आ रहे हैं। एंड यहां पे गोल्डबर्ग ने यह भी बताया था कि रेसलमेनिया 36 में रोमन रेंस उनसे डर गए थे इसलिए वो लड़ने नहीं आए थे। हालांकि रियलिटी क्या है वो तो हम सबको पता ही है, लेकिन गाइस यहां पे गोल्डबर्ग के इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि उनकी नजरें यूनिवर्सल चैंपियनशिप और फिर द बिग डॉग द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के ऊपर गरी हुई है। तो इससे गाइस हमें क्लियर पता चलता है कि रोमन रेंस जो हैं वो गोल्डबर्ग के नेक्स्ट टारगेट हैं। एंड यहाँ पे रोमन रेंस हैं नेक्स्ट गोल्डबर्ग के लिए। अब ऐसे में गाइस रिंगसाइड न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि रेसलमेनिया 37 में पॉसिबली रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच कैंसिल हो जाएगा एंड हमें देखने को मिलेगा गोल्डबर्ग और फिर रोमन रेंस का मैच। हालांकि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ था, ये तो रेसलवर्ड्स ने रिपोर्ट किया था। एंड अब फिर से रेसलवर्ड्स ने रिपोर्ट किया कि पॉसिबली गोल्डबर्ग फेस कर सकते हैं रोमन रेंस को। एंड यहाँ पर गाइस हमें पॉसिबली इन दोनों का मैच 37 में देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे आप सबको पता है कि रेसलमेनिया 37 के लिए बिल्डअप स्टार्ट होती है रॉयल रंबल 2021 से। एंड ऐसे में रॉयल रंबल 2021 टीएलसी के बाद का नेक्स्ट पेपर व्यू है, लेकिन गाइस हमें टीएलसी मैच देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस और फिर केविन ओवंस का एक टेबल स्लैड सेंचेस मैच, यानी कि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। यहाँ पे कोई भी बाहर से इंटरफेयर कर सकता है। एंड इस समय क्लियर पता चल रहा है कि गोल्डबर्ग रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे में पास्ट में गोल्डबर्ग केविन ओवंस से भी लड़ चुके हैं एंड रोमन रेंस से तो लड़ना चाहती हैं। एंड मुझे लगता है कि गोल्डबर्ग को रिटर्न करना चाहिए टीएलसी यानी कि टेबल स्लैडर्स एंड चेयर्स में, ताकि जो साल का आखिरी पेपर व्यू है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिले। बाकी का जी कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। एंड अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो इस वाली वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस वाली वीडियो का इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।